एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन इस वक्त मुस्तैदी से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम खड़े हैं राजधानी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर, बहादुरगढ़ और दिल्ली के बीच में टीकरी बॉर्डर है। पिछली बार भी जब किसान आंदोलन चला था तो यहाँ किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। ये नेशनल हाईवे नंबर 9 है, जो दिल्ली को आधे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को जोड़ता है। आप देख सकते हैं, ये वही सड़क है जो हरियाणा से दिल्ली की तरफ एंटर करती है। यहाँ अगर सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूँ तो पुलिस ने एहतियातन रूप से पहले ही, आप देखिए, ये हाइड्रा मशीन है, इसका इंतज़ाम यहाँ पर किया है। लोहे के कंटेनर यहाँ पर रख दिए हैं। इतना ही नहीं, एक बैरिकेटिंग भी यहाँ पर जो है वो करने की तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। इतना ही नहीं, सड़क को पूरी तरह से संकरा करने का काम किया गया है। यानी करीब 8 लेन का ही हाईवे था, जिसे महज अभी 3 लेन का या 4 लेन का ही छोड़ा गया है। दो गाड़ियाँ निकलने की व्यवस्था जो है यहाँ पर फिलहाल पुलिस की तरफ से की गई है, अन्यथा इस रास्ते को पूरी तरह से संकरा करने का काम किया गया है। आप देख सकते हैं, लोहे की तारों से लगे हुए लोहे के बैरिकेड भी यहाँ पर रखे गए हैं। अगर किसान यहाँ पर आते हैं तो एकदम से पुलिस इन्हें सड़क के बीचों बीच लगा देगी और पूरी तरह से इस सड़क को बंद करने का काम किया जाएगा। आप देख सकते हैं, ये रास्ता रोहतक से राजधानी दिल्ली में एंटर करता है। करीब 5 से 6 लेयर की बैरिकेटिंग करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये देखिए, कंक्रीट के बैरिकेड्स भी यहाँ पर मंगवाए गए हैं। बड़े बड़े कंक्रीट के बैरिकेड भी सड़क के बीचों बीच रख दिए गए हैं। पुराने बैरिकेड के साथ साथ जो है एक लोहे की जो है, ये आप देख सकते हैं, CCTV कैमरे भी यहाँ पर, अत्याधुनिक जो CCTV कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, साउंड सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है, ताकि जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, अगर किसानों से किसी तरह का वार्तालाप करना चाहें तो वो यह आराम से कर सकते हैं। अब देखना होगा कि किसान आखिर किस तरीके से रुख अपनाते हैं और आखिर जो पुलिस है, प्रशासन, उन्हें समझाने बुझाने में कामयाब हो भी पाता है या नहीं, या फिर ये किसान आंदोलन पार्ट 2 की आहट है। प्रदीप धनखड़, News 18, टीकरी बॉर्डर। एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन इस वक्त मुस्तैदी से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम खड़े हैं राजधानी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर, बहादुरगढ़ और दिल्ली के बीच में टीकरी बॉर्डर है। पिछली बार भी जब किसान आंदोलन चला था तो यहाँ किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। ये नेशनल हाईवे नंबर 9 है, जो दिल्ली को आधे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को जोड़ता है। आप देख सकते हैं, ये वही सड़क है जो हरियाणा से दिल्ली की तरफ एंटर करती है। यहाँ अगर सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूँ तो पुलिस ने एहतियातन रूप से पहले ही, आप देखिए, ये हाइड्रा मशीन है, इसका इंतज़ाम यहाँ पर किया है। लोहे के कंटेनर यहाँ पर रख दिए हैं। इतना ही नहीं, एक बैरिकेटिंग भी यहाँ पर जो है वो करने की तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। इतना ही नहीं, सड़क को पूरी तरह से संकरा करने का काम किया गया है। यानी करीब 8 लेन का ही हाईवे था, जिसे महज अभी 3 लेन का या 4 लेन का ही छोड़ा गया है। दो गाड़ियाँ निकलने की व्यवस्था जो है यहाँ पर फिलहाल पुलिस की तरफ से की गई है, अन्यथा इस रास्ते को पूरी तरह से संकरा करने का काम किया गया है। आप देख सकते हैं, लोहे की तारों से लगे हुए लोहे के बैरिकेड भी यहाँ पर रखे गए हैं। अगर किसान यहाँ पर आते हैं तो एकदम से पुलिस इन्हें सड़क के बीचों बीच लगा देगी और पूरी तरह से इस सड़क को बंद करने का काम किया जाएगा। आप देख सकते हैं, ये रास्ता रोहतक से राजधानी दिल्ली में एंटर करता है। करीब 5 से 6 लेयर की बैरिकेटिंग करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये देखिए, कंक्रीट के बैरिकेड्स भी यहाँ पर मंगवाए गए हैं। बड़े बड़े कंक्रीट के बैरिकेड भी सड़क के बीचों बीच रख दिए गए हैं। पुराने बैरिकेड के साथ साथ जो है एक लोहे की जो है, ये आप देख सकते हैं, CCTV कैमरे भी यहाँ पर, अत्याधुनिक जो CCTV कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, साउंड सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है, ताकि जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, अगर किसानों से किसी तरह का वार्तालाप करना चाहें तो वो यह आराम से कर सकते हैं। अब देखना होगा कि किसान आखिर किस तरीके से रुख अपनाते हैं और आखिर जो पुलिस है, प्रशासन, उन्हें समझाने बुझाने में कामयाब हो भी पाता है या नहीं, या फिर ये किसान आंदोलन पार्ट 2 की आहट है। प्रदीप धनखड़, News 18, टीकरी बॉर्डर।